तो वेलकम फिजिक्स फाउंडेशन आप सभी का। सबसे पहले तो सॉरी, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। एनीवे, आज हमारा जो टॉपिक है, नाइन्थ क्लास के लिए वीडियो ला रहा हूँ, फोर्स। फोर्स क्या होता है आप एक बार ध्यान रखें, ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा या समझाऊँगा या बताऊँगा, ये आपकी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाइन्थ के लिहाज से भी और इलेवंथ के लिहाज से भी। हालांकि फिलहाल मैं अभी नाइन्थ पे ही वीडियो बना रहा हूँ, नाइन्थ और टेंथ पर ही। ओके, अब फोर्स क्या होता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की जो चेंज होती है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होती है उसकी जो रफ्तार होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकता हूं, वेलोसिटी के चेंज होने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। ओके, चलिए अब फोर्स कैसे डिफाइन किया गया मैं आपको वो बता रहा हूं। फोर्स हिंदी में बल कहा करते हैं इसको, बल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए बेसिक फोर्स पे क्वेश्चन आता है नाइन्थ क्लास में, मैक्सिमम दो नंबर का पूछ क्या देगा उसमें, डेफिनेशन, उस पे यूनिट डेफिनेशन, और स्केलर है, वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा करता है। और ज्यादा ही टफ दे दिया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ओके, फोर्स होता क्या है, कोई भी पुश या पुल आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, छोटा सा बच्चा एक गाड़ी को खींच रहा है रस्सी से, एक फोर्स लगा रहा है, गाड़ी खींच रहा है। आप देखते हैं कई दफा गाड़ी रुक जाती है तो चार लोग आके गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, वो भी एक फोर्स है। मतलब धक्का लगाना यानी अपने से दूर करना, और खींचना यानी पुल। पुल और पुश, इसको जनरली हम फोर्स कैरी करते हैं एट्थ नाइन्थ के लेवल पे। लेकिन डेफिनेशन अच्छी क्या होगी, कोई भी पुश या पुल जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सके, एनी पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, कोई भी पुश या पुल जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सके, ओके, उसको फोर्स बोला करते हैं। फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान रखें, एनी पुश और पुल, राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी लेकिन कोई बात नहीं, एनी पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, कैन शब्द मैंने यूज किया और एक्सेलरेट अ बॉडी, कोई भी पुश या पुल जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सकता है उसे क्या कहते हैं भैया, इज कॉल्ड फोर्स, उसे ही फोर्स कहते हैं, उसे ही बल कहते हैं। कोई भी धकेल या धक्का जो किसी भी वस्तु को त्वरित कर सके वह बल कहलाता है हिंदी में। अब एक्सेलरेट करने से मतलब क्या है, एक्सेलरेट करने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, अदरवाइज बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी बेसिकली स्पीड साथ साथ उसके डायरेक्शन, ये हुआ करती थी, स्पीड प्लस डायरेक्शन कह सकते हो आप इसको, कह सकते हो। ओके, अब अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज है, यानी कि उसका मतलब या तो स्पीड उसकी बड़ी होगी, या तो स्पीड इंक्रीज हो गई, या स्पीड डिक्रीज हो गई, घट गई, या फिर अगर ये दोनों में से काम ना हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर इन तीनों में से कोई एक काम हो रहा है तो आप कह सकते हो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। यानी फोर्स क्या है, ऐसा पुश या पुल है जो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, एनी पुश और पुल विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर सकता है उसे आप बेसिकली फोर्स कहते हैं। अब वेलोसिटी में भी दो बात आ गई, स्पीड साथ साथ डायरेक्शन, या तो स्पीड को बढ़ा दे या स्पीड को घटा दे या फिर डायरेक्शन चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तरफ छोटा बच्चा भागा 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 आ रहा था, आप वो भाग इधर इधर रहा था, आपने उसको ये धकेला, यानी कि जहां वो भाग रहा था उसके अपोजिट आपने उसको फोर्स लगाया, उसको आपने पुश किया, हुआ क्या, उसकी स्पीड कम होगी, हो सकता है वो रुक भी जाए, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है वो दोबारा वहीं को जाने लगे, आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि वहीं को जाने लगा। एनीवे, स्पीड आपने घटाई, एक दूसरी बात, फिर बच्चा भागा भागा आ रहा है,
आपकी बार भागा भागा रहा था, आपने सोचा मजे ले लूं, जैसे आया लपेट मारा गाले में, क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। लपेट मारा मतलब लपड़ थप्पड़, ठीक है। बच्चा आ रहा है भागा भागा, आपने ऐसे ये तो उधर को भगा ना, जहां की तरफ वो जा रहा था आपने वहीं को फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। पहले वो भाग रहा था उधर को, आपने फोर्स लगाया अपोजिट में तो उसकी स्पीड घट गई। अच्छा जी, स्पीड बढ़ जाए या घट जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भागा 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 जा रहा था, आपने गर्दन पकड़े घुमा दी, हुआ क्या, घूम गया, सीधे जाने वाला ऐसे घूम गया, मुड़ गया, डायरेक्शन चेंज कर दी। हो सकता है स्पीड चेंज ना हो सकता है चेंज हो, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कब होगी, या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों। ओके, ये होता है फोर्स। लेकिन बात ये है कि ये फोर्स को जो डिफाइन किया गया, यहाँ पे कैन सब यूज कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ बार बार, एनी पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। अब कहने की बात है, आपने कोई धक्का मारा, मान लीजिए किसी रिक्शे को, रिक्शा चल गया, इसका वाला आपने फोर्स लगाया, आपने वही धक्का दीवार पे लगाया, चल भाई चल, फोर्स लगाया क्या फिर आपने, ये तो चली नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं शब्द ने यूज किया कैन, आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, वो चले या ना चले ये जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सकता है उसको आप फोर्स कहते हो। इस बारे में सोचना, जब आप दीवार को पुश कर रहे हो तो वो नहीं चली, तो फिर आप फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, और अगर लगाया तो फिर यहां पे क्यों ये बात फॉलो नहीं हो रही, हालांकि दिमाग लगाओगे फॉलो हो रही है बात। ओके, अब फोर्स क्या है, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक भैया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर दो टाइप की होती है फिजिक्स में क्वांटिटी, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड भी काम करेगा और साथ ही साथ आपकी काम करेगी क्या, और नहीं एंड, और क्या काम करेगी, डायरेक्शन। अच्छा जी, ये क्या चीज है मसला, अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग महसूस कर सकते हैं, अपने घर पे आज महसूस करना, कोई टेबल अगर रखी है, उस टेबल पे आपने मान लीजिए पहला केस, केस फर्स्ट, आपने ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, समझ पा रहे हैं आपको, टेबल रखी थी ग्राउंड पे, आपने ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पहले तो लगाया आराम से बिल्कुल सुस्त, ये ले भैया चल जा, दूसरी बार ये ले भैया चल जा, क्या होगा, डायरेक्शन वही है, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही केस में इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। रीजन, रीजन किसका है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड का, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है, पहले आपने कम मैग्नीट्यूड को फोर्स लगाया था, आराम से धकेला था चल दे, दूसरी बार में आपने बहुत तेज धकेला, यानी कि आपने मैग्नीट्यूड ज्यादा करा। ये वही चीज है, अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं ऐसे मारा, आराम से मारा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कस के मारा अगर, भाई साहब दुनिया हिल जाएगी उसकी। तो इसका मतलब जो फोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड वाकई बहुत बड़ा अहम रोल कर रहा है, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को आराम से पुश करेंगे या पुल करेंगे वो धीरे जाएगी, हो सकता है वो एक कोई बैरियर हो उसको पार ना कर पाए, लेकिन आपने मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया, डायरेक्शन तो दोनों केस में वही है, देखेंगे ध्यान से, एक मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो उसको बैरियर पार कर सकती है। एनीवे, एक केस सेकंड, दूसरा केस, इस बार आप लोग क्या करेंगे, ये आप घर पे करके देखिएगा, फील करिएगा, टेबल रखी है कोई बात नहीं, आप अपने फर्श पर निशान बना लीजिए कि भैया मुझे इस टेबल को यहां से यहां तक खिसकाना है, चौक से निशान बना सकते हैं आप लोग, जिस भी मर्जी से बना लीजिए। अब आप इधर खड़े, ठीक है ना, चार बाल तीन चार बाल, आप इधर खड़े, आपने फोर्स लगाया पहले इस टेबल को उधर करा, इसका मतलब आपने इसको पुश किया, आपने जब इसे पुश करोगे तो आप देखोगे आपने टेबल को यहां से यहां तक पुश किया, तो आप कुछ फील करोगे, कोई फोर्स आपने लगाया। एक दूसरी बात, जब आप इस टेबल को वहां से वापस उस तरफ लाओगे, इसका मतलब आप क्या करोगे, पहले आपने पुश किया, अब आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, आप एक चीज महसूस करोगे, वो जो आप फील करोगे वो आप पहचानोगे कि आपका फोर्स में कुछ फर्क है। आप जब उसे पुश कर रहे थे तो आप ज्यादा फोर्स लगा रहे थे,
और जब आप उसे वापस ला रहे हैं उसी उतनी ही जगह पे उसी टेबल को उसी फर्श पे वही फ्रिक्शन सब कुछ वही कंडीशन वही है, बस फर्क किस चीज का है, डायरेक्शन का। इसका मतलब फोर्स आपका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि उसी बॉडी को वही चीज को उधर खिसकाने के लिए आपको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको इधर लाने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्शन पे फोर्स डिपेंड कर रहा है। मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो रही है, बन रही है। ओके, अब फोर्स स्केलर हो, सॉरी वेक्टर हो गया, फोर्स की यूनिट क्या हुआ करती है? फोर्स की यूनिट हुआ करती है भाई साहब न्यूटन, वही जिसके सिर पे से एप्पल गिर गया था, है ना, सेब गिर गया था, का पेड़ ही गिर जाता था मर जाता है। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, मजाक कर रहा था। अब देखेंगे इसकी ऐसा यूनिट हुआ करती है न्यूटन। न्यूटन तो नाम दे दिया क्या, रिलेटिव में होती क्या, रिलेटिव होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट एम के एस यूनिट। इसी की जो सी जे सीट होती है वो होती है भैया न्यूटन की बहन डायन, राक्षस डायन। ये सी जे होती है, इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होगी, तो किलोग्राम की जगह तो आ जाएगा आपका ग्राम, मीटर की जगह आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। एम के एस और सी जे में यही फर्क है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। सी जे एस का मतलब होता है लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। तो वही चीज है न्यूटन डायन। रिलेशनशिप क्या होती है भैया, एक न्यूटन के अंदर होती है 10^5 डायन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एक नंबर में पूछा जाता है डायन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सिंपल। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आपको जो फोर्स ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो वो वेक्टर सम से हुआ करता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे की वीडियो में आपको जल्दी दूंगा, टाइप्स ऑफ फोर्स बताने वाला हूं, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ मोशन है, जितने भी तीनों हैं उसे पढ़ाएंगे, फिर मोमेंटम पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ मत करो, मैं कर लूँगा ठीक, थैंक यू वेरी मच।